नीमच के बहुचर्चित रेलवे ठेकेदार के झूठे अफीम प्रकरण मामले में नीमच एसपी की भूमिका काफी सराहनीय रही है। नीमच एसपी ने जहां ताबड़तोड़ कार्रवाई की, वहीं पुलिस महकमे पर उठ रहे सवालों पर भी गंभीरता से लेते हुए कई पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। जहां दो थानेदार हटाए गए, वहीं एक एसआई सहित 5 पुलिसकर्मी निलंबित किए गए। इस कार्रवाई से नीमच एसपी मनोज राय की जिले भर में प्रशंसा हो रही है। एनडीपीएस के मामले में उनकी निर्भक्ता और निष्पक्षता की प्रशंसा की जा रही है। बहुचर्चित अक्षय गोयल अफीम प्रकरण कांड में अब तक नीमच जिले के 2 टीआई, 1 सब इंस्पेक्टर और 4 आरक्षक नप चुके हैं। जावट टीआई ओपी मिश्रा और रतनगढ़ टीआई संदीप तोमर को लाइन अटैच कर दिया गया है। वहीं सब इंस्पेक्टर कमलेश गौर सहित 4 आरक्षक सस्पेंड कर दिए गए हैं। एक सुनियोजित साजिश के तहत नीमच में एनडीपीएस एक्ट का एक झूठा केस तैयार किया जा रहा था, जिसमें जब बात खाकी वर्दी पर आई तो पुलिस ने उन लोगों के नाम ही केस दर्ज कर लिया जिन्होंने पुलिस को अफीम होने की सूचना दी। बात सूचना तक होती तो चल जाता, लेकिन मामला नीमच के एक बड़े प्रतिष्ठित रेलवे ठेकेदार अक्षय गोयल के जुड़ने से और फिर मामला नीमच से भोपाल तक पहुंचने से पुलिस की सांस फूल गई। एसपी मनोज कुमार राय ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पुलिस महकमे पर लग रहे दागों को धोने की कोशिश की और धड़-धड़ निलंबन का डंडा चला दिया। पुलिस अधीक्षक मनोज राय की इस कार्रवाई की जिले भर में प्रशंसा हो रही है। एसपी राय ने इस पूरे मामले में खाकी पर उठ रहे सवालों का करारा जवाब दिया और जिस तरह से कमलेश गोड़ व आरक्षकों पर कार्रवाई की, वही प्रशंसनीय है। जब बात थानेदार की आई तो एसपी राय ने जरा भी देर नहीं की और दोनों थाना प्रभारियों को हटा दिया। इस मामले में देखा जाए तो पूरी गलती जावट टीआई ओपी मिश्रा और एसआई कमलेश गोड़ की थी। दोनों ने एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई की, वह भी अपना क्षेत्र और दायरे से छोड़कर। नीमच में भी आए तो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना तक नहीं दी। यही नहीं, एक ऐसे शख्स पर एनडीपीएस एक्ट की कार्रवाई कर रहे थे जिसका न तो अफीम से कोई लेन देन था और ना ही तस्करी से। ऐसे में मामला बड़ा बना और फिर झूठा साबित हो गया। इस पूरे मामले में एसपी मनोज राय की छवि एक निर्भीक, निष्पक्ष और ईमानदार एसपी की बनकर उभरी है। उन्होंने तुरंत कार्रवाई कर स्पष्ट कर दिया कि नियम और कानून सभी के